घूमने आया हूँ। ये देखिए, ये डोली का बुद्ध मंदिर। मैं आज आपको गौतम बुद्ध के बारे में एक कहानी बोलने जा रहा हूँ, जिसका नाम है हंस किसका है। एक बार की बात है, राजा सुदर्शन के दो पुत्र थे। एक का नाम था गौतम और दूसरे का नाम था देवदत्त। देवदत्त को पशु और पक्षियों का शिकार करना अच्छा लगता था, पर गौतम को पक्षियों के साथ रहना और उनके साथ खेलना पसंद था। एक बार वो अपने पिताजी के बगीचे में एक पत्थर के ऊपर बैठे थे, तभी उन्होंने वहीं देखा कि एक हंस नीचे गिर गया है और उसके शरीर से खून बहने लगा है। तब गौतम दौड़ दौड़ के उधर आए, तब उन्होंने देखा कि देवदत्त ने उस हंस को तीर मार दिया है। उन्होंने उस तीर को निकाला और फिर उससे वहाँ कुछ दवाई लगा दी, तभी देवदत्त वहाँ आ पहुँचा। देवदत्त ने बोला, भैया इसको मैंने बाण लगा कर नीचे गिराया था, इसलिए ये मेरा है। तब गौतम बोले, नहीं, मैंने इसे ठीक किया है, उसे दवाई लगाई है जहाँ से उसका खून निकल रहा था, इसलिए यह हंस मेरा है। तब दोनों के बीच लड़ाई हुई। तब उन्होंने राजा के पास अपनी अपनी चिंता बताने के लिए गई, तो राजा ने राजा सुदर्शन को बुलाया और पूछे कि देवदत्त ने तीर मारा था, तो वो बोला है कि हंस उसका है, और गौतम बोल रहा है कि उसने उसे दवाई लगा कर ठीक की, तो वो हंस उसका है, तो आप ही इन दोनों की पहली बुझाइए। तब राजा सुदर्शन बोले, गौतम देवदत्त ने तो हंस को बाण लगा कर नीचे गिराया था, अगर गौतम उसे दवाई लगा कर ना ठीक किया होता तो वो हंस मर जाता, और देवदत्त क्या मरने वाले हंस को अपने साथ ले जाते, तो इसीलिए उस तो ये हंस गौतम का है। तभी गौतम बहुत खुश हो गए और वो हंस को अपने साथ ले गए। उधर तब से उस गौतम का नाम गौतम बुद्ध हुआ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।